यूपी में प्रवासी मजदूरों की पैदल एंट्री पर बैन। हजारों मजदूरों का यूपी बॉर्डरों पर लगा जमावड़ा। राज्य में एंट्री पर रोक से मचा हंगामा। बिना पास के वाहनों और मजदूरों की एंट्री नहीं। देश में जारी कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों के पलायन का मुद्दा सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है। मजदूरों के लिए बस और स्पेशल ट्रेनें चलाई जाने के बावजूद भी ये लोग पैदल ही सड़कों पर निकल रहे हैं और बीते दिनों में कई गंभीर हादसे देखने को मिले जिनमें कई मजदूरों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में शनिवार को हुए भयानक सड़क हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश देते हुए राज्य में मजदूरों और वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी। इस आदेश के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। यूपी के बॉर्डरों पर पुलिस एक्टिव हो गई और वाहनों के आने पर रोक लगा दी गई। ऐसे में मजदूरों से भरे प्राइवेट वाहनों को राज्य में एंट्री न मिलने के बाद अब बवाल शुरू हो गया है। यूपी एमपी बॉर्डर हो या फिर यूपी दिल्ली बॉर्डर या फिर यूपी हरियाणा बॉर्डर, हर जगह यही नजारा देखने को मिल रहा है। हजारों की तादाद में मजदूर भूख और प्यास से बेबस, जो सिर्फ घर जाना चाहते हैं, और जब उन्हें रोका गया तो मजदूरों ने हंगामा शुरू कर दिया। खाने की कोई सुविधा नहीं, वहीं पैसे भी न होने से मजबूर ये मजदूर काफी परेशान है। एक बजे रात से क्या बता रहे हैं, मतलब जाने के लिए बोल रहे हैं कि बस से जाएंगे, हम लोग बस से नहीं जाएंगे, अपने गाड़ी से जाएंगे। देखिए अभी बहुत एक्सीडेंट हुए हैं, इसलिए सरकार ने कहा कि बसों से ही जाएंगे, सबको ग्रेजर पर छोड़ा जाएगा। आपको कुछ है जानकारी? आपको बस से नहीं जाएंगे, अपनी सुविधा अपनी गाड़ी से जाएंगे, अपनी सुविधा ही लेंगे। मजदूरों का हंगामा शुरू होने के बाद तमाम बॉर्डर पर आईजी, कमिश्नर, डीएम और एसएसपी लेवल के अधिकारी पहुंचे और मजदूरों को समझाने की कोशिश की गई। साथ ही इन्हें डिटेंशन सेंटर भेजना शुरू किया गया, जहां पर मेडिकल जांच के बाद इन्हें बसों या फिर ट्रेनों के द्वारा इनके गृह जनपदों को भेजा जाएगा। प्रवासी मजदूरों के साथ लगातार हो रहे हादसों के मद्देनजर सीएम योगी ने शनिवार को ये सख्त नियम बनाए, जिसके बाद पूरी एहतियात के साथ मजदूरों को उनके गृह जनपदों तक पहुंचाया जा सके, हादसों से बचा जा सके और प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी रोक लगाई जा सके। पुलिस अब इन आदेशों का सख्ती से पालन कर रही है और मजदूरों की एंट्री को पूरी तरह से बैन किया हुआ है। सीएम योगी ने दिए ये आदेश। अन्य प्रदेशों से यूपी की सीमा में पैदल, दो पहिया वाहन और ट्रक के जरिए किसी भी प्रवासी व्यक्ति के आने की अब इजाजत नहीं होगी। प्रवासियों को क्वारंटीन, शेल्टर होम या फिर अन्य जिलों में भेजे जाने के लिए पर्याप्त संख्या में प्राइवेट और स्कूल बसों की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए। पैदल व्यक्ति अगर किसी प्रकार से जिले में आते हैं तो उन्हें वहीं रोककर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुरूप कार्रवाई की जाए। किसी भी प्रवासी को सड़क या रेलवे लाइन पर चलने ना दिया जाए। आपको बता दें कि देश भर में प्रवासी मजदूरों के साथ हुए अलग अलग हादसों में अब तक 64 मजदूरों की मौत हो चुकी है। सरकार की तरफ से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बस चलाई जा रही हैं ताकि इन्हें इनके घर तक पहुंचाया जा सके। बावजूद इसके मजदूर लगातार सड़कों पर निकल रहे हैं और हादसों का शिकार हो रहे हैं। देश में कोरोना वायरस लॉकडाउन का तीसरा चरण आज खत्म हो रहा है, लेकिन प्रवासी मजदूरों की परेशानियों का अंत होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में उम्मीद यही है कि जल्द ही सरकारें इस समस्या का समाधान करेंगी। पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट।